हेलो स्टूडेंट, आई एम संदीप सिंह, योर एसएसटी टीचर एंड दिस इज योर चैप्टर 17 पीपल हु इंस्पायर अस। स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट सम ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, the lady with lamp, which lady have served the people who were affected in the war, and how she established the nursing school for the service. The next great personality was Martin Luther King, who has discriminated with the color of his skin in USA, and they also fought with it, and he also inspired with Mahatma Gandhi with non-violence struggle against India. And he was also awarded with Nobel Prize in 1964. Today we will study about the great personality of Mahatma Gandhi, Bapuji, the father of our nation. Mohandas Karamchand Gandhi was one of the greatest leader of the world. In India, we call father of our nation. Mahatma Gandhi का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जो भारत के महान नेताओं में से एक थे। भारत में इन्हें हम father of our nation, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। He was also lovingly called Bapuji and Mahatma, और उन्हें लोग प्यार से बापूजी या और महात्मा भी कहते हैं। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ही स्टडीज लॉ इन इंग्लैंड एंड बिकेम अ बैरिस्टर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गुजरात में हुआ, और वो लॉ का स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्टर जो आजकल एडवोकेट के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हीं को बैरिस्टर कहा जाता था। हिज फर्स्ट जॉब टुक हिम डर्बन, साउथ अफ्रीका, विच एट द टाइम वॉज रूल्ड बाय द पीपल फ्रॉम यूरोप। वहाँ से लौटने के बाद उनको पहले डर्बन अफ्रीका में गए, साउथ अफ्रीका में गए, जहाँ पर यूरोप के लोगों के द्वारा भी शासन किया जा रहा था। दे प्रैक्टिसेड द सिस्टम ऑफ अपार्टहाइड, अंडर विच पीपल बिलोंगिंग नॉन वाइट रेसेस। लेकिन वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा एक बहुत ही बुरी नीति, अपार्टहाइड यानी रंग भेद की नीति। दे आर सपोज दैट वाइट आर द ग्रेटर देन अदर पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड, लाइक अफ्रीकन्स एंड इंडियंस वेयर डिनाइड इक्वल राइट एंड ट्रीटेड वेरी बैडली। इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था और उनके राइट को, अधिकार को छीन लिया गया। गांधी जी वॉज शॉक्ड टू सी ही हाउ बैडली इंडियंस वेयर ट्रीटेड इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी इसको देख करके शॉक यानी बहुत ही अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को वहाँ पर देखा था। जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो अंग्रेज़ों द्वारा उनको अपमानित किया गया, उनके सामान को फेंका गया और उन्हें धक्के दे करके बाहर निकाला गया। तभी से उन्होंने निर्णय किया कि रंग भेद के खिलाफ हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
और समानता के असमानता का व्यवहार को हम इसको प्रयास करेंगे कि लागू. ही डेवलप्ड नॉन वायलेंट वे टू प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ट्रीटमेंट. और उन्होंने अपने इस मिशन को नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू किया. ही कॉल्ड इट सत्याग्रह. इसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह, मीनिंग डेडिकेशन विथ ट्रूथ. इसका अर्थ है सत्य पर, अपनी सत्य निष्ठा पर दृढ़ रहना. ही गॉट द साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट टू एग्री टू मेनी इज राइटफुल डिमांड्स. उन्होंने साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट से कई तरह के डिमांड्स को अपने राइट के लिए उन्होंने डिमांड किया. व्हेन ही केम बैक इंडिया ही सॉ मिजरेबल कंडीशन इन विच विडोड वुमेन द पुअर एंड अनटचेबल्स. यहाँ पर वो जब भारत में आए तो भारतीयों की भी दयनीय स्थिति को देखा, विधवा महिलाएं, गरीब लोग और छुआछूत यहाँ पर विद्यमान थी. डीपली मूव्ड गांधी जी डिसाइडेड टू डेडिकेट हिज लाइफ रिमूविंग दीज इल्स. और इसको देख करके गांधी जी ने भी निश्चय किया कि यहाँ से भी इस बुराइयों को ख़त्म किया जाएगा. भारत में जो सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है, विधवा है या जो भी चीज़ें हैं वो सबको ख़त्म किया जाएगा. ही स्टार्टेड ड्रेसिंग इन ए हम्बल धोती टू शो हिज सपोर्ट फॉर पुअर. और उन्होंने सबसे पहले एक साधारण धोती पहनना शुरू किया ताकि वो गरीबों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सके. इन 1920 ही लॉन्च हिज फाइट विन फ्रीडम फॉर इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश विन सत्याग्रह. 1920 में उन्होंने सबसे पहले अपनी लड़ाई एक सत्याग्रह मूवमेंट से शुरू किया. मिलियंस ऑफ पीपल ज्वाइन हिम. लाखों लोग उनको साथ जुड़े. ही लॉन्च सेवरल सच मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑल ऑफ विच पीसफुल. जो भी उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया वो सभी शांतिपूर्ण थे. ही वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड बाई ब्रिटिश सेवरल टाइम्स. अंग्रेजों द्वारा उन्हें कई बार पकड़ा गया और जेल में डाला गया. अनडॉटेड ही कैरीड ऑन हिज फाइट फ्रीडम. और उन्हें कई बार निडर होकर के अपनी लड़ाई को जारी रखा. द ब्रिटिश वेयर फाइनली डिफीट बाय द नॉन वायलेंट स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेट मैन. ब्रिटिश लोग नॉन वायलेंट मूवमेंट से पराजित हुए एंड दे लेफ्ट इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947. और भारत को वो छोड़ कर के चले गए और भारत जो है स्वतंत्र हुआ. नेक्स्ट ग्रेट पर्सनालिटी इज आवर नेशन दैट मदर टेरेसा सेवियर ऑफ पुअर. एग्नेस गोंजा बोजाक्स्यू वॉज बॉर्न इन अल्बानिया यूरोप. एग्नेस गोंजा बोजाक्स्यू जो है अल्बानिया जो यूरोप का एक कंट्री है वहाँ पर पैदा हुई. इन 1910 एट द एज ऑफ 18 सी डिसाइडेड टू डिवोटी हिज लाइफ टू गॉड. और 10-18 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया. एंड सर्विस ऑफ पुअर एंड सी बिकेम नन. और वो गरीबों की सेवा के लिए वो एक नन जो होता है सन्यासी का एक कह लेते हैं सन्यासी रूप धारण करने लगा. इन 1931 सी केम टू कोलकाता एंड वर्क एज टीचर इन स्कूल. और 1931 में ये कोलकाता आए और वहाँ पर एक स्कूल में टीचर बन गए. इन 1947 सी फेल्ट अ डीप डिज़ायर टू बी
द फायर ऑफ लव एमंगस्ट द पुअर, और 1947 में उन्होंने ये इच्छा हुई कि उनको गरीबों के लिए कुछ है, बीमार के लिए या मरते हुए बच्चों के लिए कुछ किया है, करने का इच्छा दृढ़ हुई। सी लेफ्ट द स्कूल एंड फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, और उन्होंने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। चैरिटी मतलब होता है कि जब गरीबों को हम कुछ सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि अगर भूखे को कपड़ा और धन देते हैं तो वो चैरिटी यानी दान होता है। फॉर 40 ईयर्स शी टुक केयर ऑफ अलाइंग पीपल हु हैड बीन अबॉन्डेंट बाय सोसाइटी, सी प्रोवाइडेड शेल्टर टू पीपल लिविंग द स्ट्रीट। 40 साल की सेवा करने के बाद जो समाज से त्यागे हुए होते हैं, छोड़े गए होते हैं, उन्हें उन्होंने घर प्रदान किया जो सड़कों पर निसहाय यानी बेसहारा घूम रहे थे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सी ओपन अप लेपर कॉलोनीज प्लेसेस पीपल फॉर सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी टू लाइफ, और इसी में उन्होंने एक नए कॉलोनी यानी घर बनाया जिसमें उन्होंने उन लोगों को जगह दिया जो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ऑर्फनेज नर्सिंग होम एंड मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, और उन्होंने अनाथालय भी खोला, नर्सिंग होम भी खोला और चलते फिरते स्वास्थ्य क्लिनिक भी खोले गए। थ्रू हर लाइफ मदर टेरेसा शो अस पाथ ऑफ लव कंपैशन एंड सर्विस टू नीडी एंड डिस्टिट्यूट, और उन्होंने अपनी दया सर्व करुणा और सेवा भाव को उन्होंने जिसको ज़रूरत है उसको उन्होंने प्रदान किया। इन 1979 सी फेल्ट सॉरी In 1979, she was honored by Nobel Prize in recognition of her effort to bring help to suffering humanity. गरीबों की मानवता की सेवा और उनकी सहायता के लिए 1979 में उन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कार दिया गया। She also won Bharat Ratna at the highest सिविलियन अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्हें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया गया भारत रत्न भी दिया गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी जो है विश्व में हुए जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा अपने ड्यूटी के द्वारा उन्होंने विश्व में अलग अलग छाप छोड़े जिसकी वजह से आज जो वो लोग हमसे इंस्पायर हम लोग उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं और उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।